हेलो फ्रेंड्स, लेवल ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्रेटजी जिसकी मदद से आप जो जब भी आईपीओ लिस्टिंग डेट रहता है, मतलब जिस दिन लिस्टिंग का फर्स्ट डे रहता है, इनिशियल मोमेंटम में आप उसको मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे बेसिस पे आप बाय कर सकते हो एंड सेल कर सकते हो। उन स्ट्रेटजी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जिससे मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए हैं और आज भी ट्रेड लिए, उनका मैं लाइव आपको दिखाऊंगा एंड कुछ स्टॉक कल के दिन के लिए भी सजेस्ट करेंगे। अभी जो निफ्टी में जो पैनिक सिचुएशन बन रहा है, कौन से स्टॉक अच्छे पोजीशन पे मिल रहे हैं, उन सारे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो जुड़े रहे चैनल के साथ। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे होगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं स्ट्रैटेजी। जैसे आज का दिन अगर आप देखेंगे 16 तारीख का था, 16 मार्च 2020, तो इस दिन अगर आप देखेंगे आज SBI कार्ड IPO ओपन हुआ था, लिस्टिंग डेट था SBI कार्ड IPO। ठीक है, तो ये कार्ड IPO मैंने अप्लाई किया हुआ था एंड मेरा एक लॉट इसमें, हालांकि मैंने चार लॉट अप्लाई किया था लेकिन इसमें एक लॉट जो है मुझे अलॉटमेंट हुआ था। एक लॉट में 19 शेयर रहते हैं SBI कार्ड का, तो 19 शेयर, एक शेयर का जो प्राइस था, लिस्टिंग प्राइस था, वो 755 का था। लेकिन अभी अगर देखें निफ्टी का जो कोरोना वायरस को लेकर जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है ग्लोबल लेवल पे भी और इंडियन मार्केट में भी, तो उसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग इतना जो फॉल आया है, उसके चलते मुझे नहीं लग रहा था कि SBI कार्ड का जो वैल्यू है वो एटलीस्ट 755 तक टच करेगा। इसका जो इशू प्राइस था 755 का था, मतलब एक शेयर जो मैंने खरीदा हुआ था जो अलॉटमेंट में, वो 755 पे खरीदा हुआ था। तो इसके चलते मुझे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये जो मोमेंटम हुआ वो मोमेंटम बाद में आया था, ये जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, और अलॉटमेंट तो पहले ही मैंने अप्लाई कर लिया था। हालांकि यहाँ पे तो SBI कार्ड में मुझे अलॉटमेंट हुआ था। तो जब भी कोई SBI हो, IPO हो, या फिर इससे पहले IRCTC का आया था, तो हर दिन मतलब पहला डेट पे, इनिशियल लिस्टिंग डेट पे, जिस दिन लिस्टिंग रहता है, जैसे आज था लिस्टिंग डेट फॉर SBI कार्ड। IRCTC का अगर आप देखेंगे तो IRCTC का था अक्टूबर में था, 14 अक्टूबर 2019 में था, है ना। तो उस दिन आपको ट्रेड करना है, और स्ट्रेटेजी क्या है वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। तो SBI कार्ड को देखिए, इनिशियल आवर पे आपको ट्रेड करना है। इनिशियल आवर इन द सेंस कि 10 बजे इसका मार्केट पे लिस्टिंग होता है, 10 बजे, तो 10 बजे आपको ट्रेड करना है और 10 बजे आपको अपने प्लेटफॉर्म ओपन करके बैठ जाना है। आपको करना क्या है, सिंपल एक तरीका है, एक मिनट चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट आपको ओपन करना है, 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको अप्लाई करें। मैंने खुद इसमें ट्रेड किया हुआ है, आज हर रोज मैं करता हूं जब भी IPO लिस्टिंग रहता है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 मिनट, तो ये इसको अगर देखिए, तो पहले मैं दिखाता हूं अपना पोजीशन। तो ये देखिए SBI कार्ड पे मैंने 4000 का जो है इसमें प्रॉफिट किया एंड ये सारे मैंने कैश बेसिस पे लिए हुए हैं, मतलब लॉन्ग टर्म पोजिशनल बेसिस पे, क्योंकि क्यों मैंने लिए वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। वेदांता को अच्छे प्राइस पे मिल रहा था, मैंने 75 लास्ट ऑफ द मार्केट 75 पे लिया हुआ है 500 शेयर, और 10 शेयर मैंने वोल्टास का लिया हुआ है 606 पे। तो ये तो कैश बेसिस पे लिया है, CNC बेसिस पे लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। बाकी SEC में मुझे 1200 का जो है नुकसान हुआ है इंट्राडे बेसिस पे। SBI कार्ड में मुझे 4000 का प्रॉफिट हुआ। इससे पहले मैंने IRCTC पे ट्रेड किया था जो 14 अक्टूबर था, 14th October 2019 को मैंने ट्रेड किया था, और IRCTC में भी मुझे लगभग 10,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो इस स्ट्रेटेजी को मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, जिस दिन भी लिस्टिंग रहता है, तो आज अगर आप देखेंगे अभी के कंडीशन में मार्केट जब इतना नीचे जा रहा है, इतना डाउनफॉल हो रहा है, तो SBI कार्ड में मुझे नहीं लग रहा था कि ये 700 एटलीस्ट 755 तक टच करेगा, लेकिन ये आज जाके 755 तक भी टच किया है एंड जो पैनिक सिचुएशन था इसके चलते इसमें जरूर इसमें बाद में गिरावट जरूर देखने को मिला है, लेकिन ये जो है इशू प्राइस के आसपास आज गया है। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, देखिए इनिशियल 10 बजे आपको प्लेटफॉर्म ओपन करना है, 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है, पहला कैंडल यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है, आप छोड़ दीजिए। पहले कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ कैंडल ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। कैंडल ब्रेकआउट इन द सेंस, अगर ये पहला जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है उसका हाई बनाया हुआ है 714 का, 714 का आप यहां पे देख सकते हैं, 714 का,
तो जब भी आपको 714 का ब्रेकआउट हो, थोड़ा बफर लगा है 714.50 पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो इसमें अब क्या हुआ है, देखिए नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ 714 को ब्रेक ही नहीं किया, एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, आपकी एंट्री नहीं हुई। मतलब एक मिनट कैंडलस्टिक, जब भी कोई एक मिनट कैंडलस्टिक आपको ब्रेक करे आपको ट्रेड लेना है, वो रेड कैंडल हो ग्रीन कैंडल हो, आपको बाय साइड पे ट्रेड लेना है, इसको आपको सेल साइड पे ट्रेड नहीं लेना, आपको हमेशा बाय साइड पे ट्रेड लेना है, ठीक है। लिस्टिंग डेट है, आपको बाय साइड पे ट्रेड लेना है, आपको सेल साइड पे नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पे 714 हुआ हाई हमारा, तो नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ वो 714 को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। अभी हमारा 714 पे ट्रेल कर लिया, हमारा जो एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा 714 पे होगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो थर्ड कैंडल फॉर्मेशन हुआ वो भी ब्रेक नहीं कर पाया प्रीवियस कैंडल हाई को, यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ जो कि एक हामर का कैंडल है, लेकिन ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया प्रीवियस कैंडल हाई को, वो क्लियर कट है। तो उसके बाद क्या हुआ है, जैसे ही इसने ये कैंडल फॉर्मेशन किया, देखिए ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल जो ये जो रेड कैंडल था इसको हाई को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था 705 पे में हुआ था मेरा एंट्री। तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे मार्क कर लेता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था 705 पे हुआ था मेरा एंट्री, तो ये मेरा हो गया एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट के बाद आप एक क्लियर कट अगर आप देखोगे, आप थोड़ा बहुत अगर कैंडलस्टिक का नॉलेज है और प्राइस एक्शन आप समझते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन है, इसको इन दोनों कैंडल को मिला के आप अगर आप ट्रेड करो, साथ ही साथ नहीं तो ये सिंगल कैंडल को भी आप ट्रेड करने की कोशिश करो, तो ये एक हामर कैंडल है। और एक रिट्रेसमेंट में जब भी एक हामर कैंडल फॉर्मेशन होता है तो इसके लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और इसके बाद ये एक जो बुलिश कैंडल बना है और उसका क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल जो हामर कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, तो बहुत ही एक प्राइस एक्शन कैंडल है। एंड उसके बाद जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया तो और भी पोजीशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया, आपका अगर चाहे तो और भी पोजीशन इस तरह के प्राइस एक्शन में, जरूरी नहीं है कि ये प्राइस एक्शन हर आईपीओ में आपको लिए मिले। आईपीओ में आपको ट्रेड कैसे करना है, कैंडलस्टिक ब्रेकआउट वन मिनट कैंडलस्टिक आपको जब भी ब्रेकआउट मिले आप उसमें ट्रेड करो। तो यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था, स्टॉप लॉस था यहाँ पे। एंड उसके बाद देखिए आपको पोजीशन ओपन छोड़ना है, आपको क्लोज कहाँ पे करना है, मतलब एग्जिट कहाँ पे करना है, जब भी कोई कैंडल लो ब्रेक करे तभी आपको एग्जिट करना है। मतलब किसी भी कैंडल आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, इस कैंडल का अगर लो ब्रेक कर लेता, यहाँ पे अगर लो ब्रेक कर लेता मैं लॉस लेके यहाँ पे बुक कर लेता लॉस, है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ जाके मेरा लो ब्रेक हुआ है इस कैंडल, ये जो रेड कैंडल बना है इसका लो अगर आप देखें 742.20 और प्रीवियस कैंडल का अगर आप लो देखें 743, तो 743 के नीचे ये लो बनाया हुआ है 742 का, तो ऑब्वियसली यहाँ से ब्रेक हुआ क्लियर कट है, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। तो लगभग देखोगे तो 743 तक, 705 से लेके 743 का, अब इमेजिन करिए ये जो कैंडल है ना ये 6-7 मिनट का कैंडल है, बस 6-7 कैंडल है, आपको क्विक ट्रेड लेना है, इसलिए आपको क्विक ट्रेड के लिए आपको हमेशा प्लेटफॉर्म में ऑब्जर्व करके रखना पड़ेगा, जब भी कोई ब्रेक आपको इमीडिएट ट्रेड ले ताकि आपको एंट्री पॉइंट प्रॉपर हो। एंट्री पॉइंट अगर प्रॉपर होगा तो आपको रिस्क एंड रिवार्ड तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि रिस्क आपका कितना छोटा था और रिवार्ड आपको यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से मिला। तो ये सिर्फ SBI कार्ड का मैं बोल रहा हूँ वन मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पे, आप जाके IRCTC का भी चेक कर सकते हैं जो कि 14 तारीख को हुआ था, 14 अक्टूबर 2019 में IPO हुआ था, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है वन मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पे, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो IRCTC में देखिए, IRCTC का तो ये 14 तारीख का 14 अक्टूबर का था, तो इसमें देखिए ये जो इनिशियल कैंडल है ये इनिशियल कैंडल पे ही इसमें ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे होगा आपका एंट्री, ठीक है यहाँ पे होगा आपका एंट्री। लेकिन इसमें देखिए स्टॉप लॉस आपको स्टॉप लॉस इसमें हिट ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इसमें स्टॉप लॉस ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है एक्चुअली, ये वन मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में देखिए वन मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है, और देखिए कितने जबरदस्त मोमेंटम हुआ है, मतलब कितना ड्यूरेशन का मोमेंटम है आप देख सकते हैं, कितना क्विक मोमेंटम है। आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे होता, देन आपको क्या करना है, आपको एग्जिट के लिए आपको ढूंढना है कि एग्जिट आप कहाँ पे करोगे। तो जैसे ही ये कैंडल फॉर्मेशन होता है कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो यहां तक, है ना, कैंडलस्टिक के लो तक आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ, इसका लो ब्रेक नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल, फिर नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन हुआ, यहां पर जाके इसने लो ब्रेक किया, तो यहां पर होगा आपका एग्जिट। तो
यहां से लेके यहां तक का अगर आप देखोगे ना कितना पॉइंट, यहां से लेके यहां तक ऑलमोस्ट अराउंड 10 पॉइंट का मोमेंटम था। यहां से लेके यहां तक कितने मिनट में, 4-5 मिनट में आपका प्रॉफिट बुक हुआ था। यहां पे मैंने 10,000 का प्रॉफिट निकाला था, इस ट्रेड पे मैंने 10,000 का प्रॉफिट निकाला हुआ था आईआरसीटीसी में। आईआरसीटीसी में एक्चुअली मैंने आईपीओ अप्लाई किया था लेकिन मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला था। जिसको भी अलॉटमेंट मिला था आई एम श्योर बहुत ही अच्छे प्रॉफिट किए होंगे, क्योंकि तभी मार्केट का कंडीशन कुछ और था, तभी मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश था। लेकिन अभी के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश है, क्योंकि अभी के लिए जो न्यूज आ रहा है वो कोरोना वायरस के रिलेटेड आ रहा है। इसके लिए निफ्टी बहुत ज्यादा गिर रहा है, इसके चलते मुझे उम्मीद नहीं था कि एसबीआई कार्ड, मुझे तो लग रहा था ये 500 को टच करेगा, 500 से स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि इसका जो शुरुआत ही हुआ वो 700 के आसपास, 6 इसको आप देखें ना 690 के आसपास जो है इसने शुरुआत किया। हालांकि लो जरूर बनाया हुआ है 661 का, लेकिन यहाँ पे शुरुआत ही हुआ बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हुआ था, तो ये 755 तक टच कर। तो ये आपको स्ट्रेटेजी बिल्कुल समझ में आ गया कि आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक यूज करना है, 1 मिनट का ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करना है, स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते जाइए, जब तक आपका जो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता आप ट्रेड पे बने रहिए, जब तक नहीं होता तब तक आप प्रॉफिट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है जो ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ आपको पहले दिन एसबीआई आईपीओ का लिस्टिंग के पहले दिन ही आपको ट्राई करना है ना। देखिए बहुत सारे आईपीओ आने वाले, जैसे कि इन फ्यूचर में बोल रहा हूँ, अच्छे अच्छे आईपीओ में करना है, हर आईपीओ में आपको बाय नहीं करना है। जैसे एसबीआई कार्ड हो गया, आईआरसीटीसी, बीच में उज्जीवन का भी आया था, उज्जीवन में आपको नहीं, अच्छे अच्छे आईपीओ जिसका सब्सक्रिप्शन डबल से भी ज्यादा हो। सब्सक्रिप्शन कितना होता है वो तो आपको पता चल ही जाता है, एवरी इसमें आईआरसीटीसी में बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ था, एसबीआई कार्ड में भी 2 गुने से भी 3 गुने के आसपास सब्सक्रिप्शन हुआ था। तो इन सारे स्टॉक में करना, इन फ्यूचर बहुत सारे स्टॉक्स आने वाले हैं, बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, जैसे कि यूटीआई म्यूचुअल फंड का हो गया, नेक्स्ट आपका रिलायंस जियो का आने वाला है, रिलायंस कैपिटल का भी शायद आने वाला है। तो इन सारे स्टॉक में आप ट्राई कर सकते हैं, एंड इन फ्यूचर मैं आपको अपडेट कराऊंगा कौन से आईपीओ में कैसे आपको ट्रेड करना है। तो ये सिर्फ एंड सिर्फ एसबीआई का जो ये है वो सिर्फ आपको लिस्टिंग के दिन ट्राई करना है। तो क्विकली देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो मैंने वेदांता मैंने आज परचेस किया हुआ है। अगर आप देखोगे वेदांता में, तो वेदांता में मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत ही अच्छे पैटर्न के साथ है, इसको मैं वीकली चार्ट पे आपको दिखाता हूं। तो देखिए वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो वेदांता लगभग यहाँ पे सपोर्ट के आसपास, इसको मैं मंथली कर देता हूं, तो देखिए सपोर्ट के आसपास है। मतलब अभी मैंने पूरे पोजीशन मेरा बाई नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपना 40 पोजीशन वेदांता बैंक बाई किया है, मेरा और भी बाई करना है मुझे, लेकिन अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, अच्छे सपोर्ट के आसपास है। अगर मुझे यहाँ से एक बाउंस बैक मिलता मैं जरूर इसमें एग्जिट कर जाऊंगा, एटलीस्ट मुझे लगता है ये 130 तक बाउंस करना चाहिए, है ना। अगर ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक होता है, मार्केट थोड़ा बुलिश भी होता है, तो फिर और भी ज्यादा मैं होल्ड कर सकता हूं। अगर यहां से भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक होगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा, फिर मेरे एंट्री के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा इसमें बियरिश पे जा चुका है, तो इसके लिए इसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे रखा हूं एंड इसलिए मैंने इसको खरीदा हुआ है। बाकी वोल्टास तो आपको पता ही है, मैं क्वार्टर एंड पे सेल करने वाला हूँ, जैसे कि मैं बोलते रहता हूँ वोल्टास के बारे में, क्योंकि आगे चलकर समर सीजन आने वाला है, तो रिजल्ट उनकी थोड़ा अच्छा है, उसके चलते स्टॉक थोड़ा ऊपर जा सकता है। इसके चलते मैंने वोल्टास को बाय किया हुआ है, बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटीज मैंने बाय किया हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि और भी ज्यादा नीचे प्राइस पे मुझे मिलने वाला है। तो वेदांता को अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे पोजिशन पे है, हो सकता है कल के दिन मार्केट और भी ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो, ये इसको भी ब्रेक कर दे, कोई बात नहीं इसको भी ब्रेक करे, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड करके रख सकता हूँ वेदांता को। एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बहुत अच्छे पोजीशन पे अभी एक अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है, इसको वन डे चार्ट पे देखते हैं। तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन था, जिस ट्रेंड लाइन से वो बार बार सपोर्ट ले रहा था, अभी इस ट्रेंड लाइन और 200 मूविंग एवरेज के आसपास है। तो ये अगर नीचे जाने लगता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट लेना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट लेना था। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके लिए एक जो सपोर्ट निकल के आएगा वो है 1663 पे, 1664 पे इसके लिए सपोर्ट निकल आएगा। तो यहाँ से अगर ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस पे तो इसको आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड पे 1660 तक, 68 तक। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पर आप जरूर नजर बना के रख सकते हो। बाकी सारे जो स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा,
जो भी आपको ट्रेड अच्छा लगे आप ट्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, जो स्ट्रेटजी मैंने शेयर किया आप जरूर टेस्ट करें, बैक टेस्ट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।